पहचाना मुझे आपने? हाँ। कौन हूँ मैं बताओ जरा, हेलो बोल दो। हेलो हेलो बुबू के घर पे आ रहे कहते हम, एंड एक्चुअली में अभी बुबू हमको ले जाने वाले हैं काफल खाने के लिए। पुलम है ये, पुलम आदि से अभी तो कच्चे हैं ना, ओए काफी मस्त है, फिर मेरे हाथ में आ चुके हैं अभी इसको खाने में मजा आ रहा है यार। भूत भूत। तो हेलो जी नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग पे, दिख रहा हूँ मैं। तो भाई लोगों फाइनली हम पहुंच चुके हैं पिथौरागढ़, ठीक है, और थोड़ा सा इंजॉयमेंट के लिए आ रखे थे। तो यहाँ पे हम आ रखे हैं मानसी अगर, मानसी हेलो बोल दो। हाँ हेलो। इधर पे आओ, यहाँ पे इधर पे आओ, पहचाना मुझे आपने? हाँ। कौन हूँ मैं बताओ जरा? दादा। और यहाँ पे एक छोटा बच्चा भी है, आपका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? वंशु। वंशु, और आपका नाम क्या है? मानसी ना। दियारा। और यहाँ पे अभी बैठ रखा हेलो बोल दे, और मम्मी पापा है। तो फाइनली यार हम पहुंच गए थे, फिर उसके बाद मैं सो गया था, अभी उठाऊ मैं तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर रखा है। तो फिलहाल से अभी का सीन ये है कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, तुम आओगी? यस यस। कौन आएगी? आएगी रे, अब क्या होगा? हम तो नहीं चले घूमने, आप लोग कल जाओगे बोला। अच्छा तुम लोग कल जाओगे? अच्छा आप लोग जाओगे? हम लोग कल जाएंगे। तो अभी कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं हम घूमने के लिए, काफल तोड़ने जा रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं कहीं और जा रहे हैं। अच्छा, और यहाँ पे हमारे बुबू आ चुके हैं, हेलो बोल दो। हेलो हेलो। तो बुबू के घर पे आ रखे थे हम, एंड एक्चुअली में अभी बुबू हमको ले जाने वाले हैं काफल खाने के लिए। जब मैं आया था ना यहाँ पे तो बुबू ने मेरे को काफल खिलाए थे, तो काफी मस्त तोड़ते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ तो भयंकर उसमें मिलते हैं, रुपयों में मिलते हैं, दुकानों में। यहाँ पे बुबू ने बोला कि यार पेड़ों पे मिलते हैं, तो हम लोग वही देखने के लिए जा रहे हैं भाई। काफी मजा आने वाला है, मतलब स्वाद बहुत मस्त है यार बुबू का, अच्छा लग रहा था बहुत ही अच्छा। कितने दूर जाना पड़ेगा अभी यहाँ से? यहाँ से आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर ठीक है, मतलब 10-15 मिनट लगेंगे, उसके बाद थोड़ा सा लेके भी आएंगे। लेकिन मानसी तो आएगी नहीं आज, यहाँ पे नहीं आएगी साथ में, मानसी बुआ के साथ यहाँ जाने वाली है। नहीं मानसी नहीं आएगी, छोटे बच्चों को नहीं ले जाते उधर यार। मानसी कल आएगी, ठीक है, तुम आओगे? तुम भी आओगे? क्यों इधर आओ, बापरे। और कल तक तो बारिश थी यहाँ पे, बट एक्चुअली में अभी थोड़ा सा मौसम सही हो रखा है, तो बड़े चलते हैं, उसके बाद तुमसे बात करते हैं भाई। तो यार अभी फिलहाल से टाइम हो चुका है 5:44, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा है कि सनसेट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ों पे सनसेट जल्दी हो जाता है, तो हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं तुम्हें भी दिखाने वाला हूँ कुछ, क्या दिखा रही हो? ये ताजे ताजे फ्रूट्स हैं, पहाड़ के फ्रूट्स। क्या है मानसी? ये पुलम है, ये पुलम खा दी उसे, अभी तो कच्चा है ना। ओ कच्चा कच्चा खा दिया पकेंगे? बाप रे, मानसी ने कच्चा ही खा दिया यार, मानसी ने कच्चा ही खा दिया। तो अभी अप्रोक्स हमें जाना पड़ेगा, कितने किलोमीटर बोला? आधा किलोमीटर जाना पड़ेगा, 10 मिनट में जाएगा। हाँ मतलब पहाड़ों में बहुत ज्यादा लगते हैं। पुलम हो गया, ठीक है, एक पुलम हो गया, दूसरा आड़ू हो गया, और तीसरा काफल। काफल तो बहुत फेमस है भाई, खट्टा हो रहा है ना, वो खट्टा ही होगा, कच्चा खा रही हो तो। तो भाई लोग अब लोग रेडी हो चुके हैं, और थोड़ा सा हमने ट्रैक भी कर लिया है, बट एक्चुअली में यहाँ पे सीन ये है कि जो रोड है ना उससे थोड़ा लॉन्ग पड़ता हमें, तो इसलिए बुबो में शॉर्ट रास्ता लेके जा रहे हैं, जो पुराने जमाने में होता था खेती खेत से डायरेक्ट हम वाली रोड में जॉइंट हो जाएंगे, ठीक है, वाली रोड में मिल जाएंगे। तो फिलहाल से अभी का सीन ये है कि 5:44 हो रहा है, तो हमें जल्दी भी जाना और जल्दी भी आना, समझ बात को। और बाकी बता दो कौन कौन जाने वाला अभी जा रहा है, जिसने कैमरा पकड़ लगा मैं जा रहा हूँ, सिर्फ बुबो जा रहे हैं, ठीक है, तो देखते हैं भाई कितना मजा आने वाला है। तो यार भाई लोग हम जस्ट मेन रोड पे आ चुके हैं, मैं बता रहा हूँ कहाँ से आए, वो देख रहे हो खेत खेत यहीं से आए हैं, ये शॉर्ट पड़ा हमारे लिए, तो पूरा लॉन्ग पड़ता महंगा, बहुत टाइम भी चले जाता। तो फिलहाल से यार एक चीज़ और है कि अगर तुम नए नए हो तो जंगलों में अकेले नहीं जान चाहिए, सही बोल रहा हूँ वो? हाँ जंगलों में अकेले नहीं जान चाहिए, बुबू को तो आदत है भयंकर, कितने बार तो शेर को देखा भी होगा बुबू ने, देखा है? अच्छा वैसे भी आ सकता है, आपको क्या लगता है? तो भाई लोगों यार फाइनली हमने काफल का पेड़ देख लिया है। वो ये वाले कौन सा फूल है? ये कौन सा पेड़ है काफल का? ये वाला ये पूरी लाल लाल पके हुए भी दिखाई दे रहे हैं, हल्के हल्के वो भी पके हैं, वो ऊपर हैं पके हुए वो वाले, ये काफल शुरू हो गए। हाँ काफल के पेड़ शुरू हो गए, वह तोड़ना तो मुश्किल होता होगा वो भी से। ये तो पतला है ना वो ना, अभी नीचे तो अच्छा, वो मोटे मोटे पेड़ भी हैं। अच्छा अच्छा, तो भाई लोगों फाइनली अब होने वाली है रियल ट्रैकिंग। फिलहाल से यार यहाँ पे इतना खतरनाक रास्ता है ना भयंकर, ये पूरी ढलान में जाना समझ लो, और मेरी लाइफ टाइम का पहला चीज़ होगा जब मैं ये कर रहा हूँ, समझ रहे बात को। और भाई काफल के बुआ लिए ये वाले पेड़ है ना काफल के,
इससे नीचे है, इससे नीचे है ना, तो मतलब कुल मिला के हमें बहुत ढलान में जाना पड़ेगा भाई। तो चल तू चल पहले, आराम चलना, फिसलना नहीं चाहिए जूते बेटा। तो भाई लोग यार काफ़ी मज़ा भी आ रहा है यार, समझ रहे बात को, लेकिन भैया सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इसलिए मैं वीडियो बनाना थोड़ा सा बंद कर रहा हूँ, लेकिन मज़ा आ रहा है, उतना कठिन भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक ही है यार, नॉर्मल है, लेकिन वही बात होती है भैया अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी हो। तो भाई लोगों यार यहाँ से काफल के पेड़ शुरू हो गए हैं, वो हमें तो महंगा पता भी नहीं चल रहा है कि काफल के पेड़ कौन से हैं, पहचान में नहीं आ रहा है कुछ भी। ये देख रहे हो ये, जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ मैं, ये ऐसे तोड़ने पड़ते हैं भाई ये, वाह हाय हाय, खट्टा था यार, खट्टा था ये, मतलब यार भाई लोगों ऐसा होता है कि यार यहाँ पे ना कोई भी आ सकता है पेड़ों पे, क्योंकि ये जंगल का एरिया ना, तो ये किसी के मतलब अंडर नहीं आता है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि काफल का पेड़ मेरा है, मतलब जो आएगा वो तोड़ेगा वो खाएगा तो उसी का हो गया समझ लो, ये चीज़ है, मतलब जैसे अभी हम आ रहे हैं ना तो कोई मना नहीं कर सकता है कि तुम क्यों तोड़ रहे हो, ये वाली बात ठीक है। तो फिलहाल से अब वो थोड़े से और पेड़ देखने के लिए गए थे ताकि हमें मिल जाए जहाँ पे भाई काफल बहुत ही मस्त लगे हों पेड़ों पे, तो यार थोड़ा सा इसी पेड़ पे लगे हैं, तो देखते हैं भाई क्या सीन रहता है, लपक लपक के खा लेंगे हम लोग। तो भाई लोग अगर तुम्हें पहाड़ में काफल खाने हैं ना, तो तुम्हें सबसे पहले पेड़ ढूंढने पड़ेंगे, पेड़ बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, और मिल भी गए ना भाई तो तुम्हें चुन चुन के खाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि कोई कच्चे होते हैं कोई पक्के होते हैं, तो पक्के पक्के तोड़ने पड़ते हैं तुम्हें, जैसे कि बुबू यहाँ पे पेड़ में चढ़ गए हैं, मुझे तो इम्पॉसिबल लग रहा था यार, बुबू की आदत है ना तब चढ़ गए, बाप रे अरे बुबू की आदत है यार, वही तो जिसकी आदत हो गई वो तो कर भी सकता है, जैसे हमारी आदत नहीं, हम तो फिसल के नीचे चले जाएंगे। मेरे कुछ नहीं है। हाँ सही बोला, बचपन की आदत ताजा हो गई, हम भी लीची तोड़ते थे अपने पेड़ में घर में। भाई जो रियल पका हुआ होता है ना, ऐसा होता है डार्क डार्क मैरून कलर का होता है, पकड़ अभी वहां से, तो यार मैंने खा दिए थोड़े से, खाए ज़्यादा नहीं, बट यार जब ज़्यादा ज़्यादा मिले ना भयंकर एक बार में खाने में तब मज़ा आते है, कि कर खाने में मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं एक काम करता हूँ थोड़ा सा वीडियो बंद करता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा बनाता हूँ समझ रहे हो, थोड़े थोड़े तोड़ तोड़ के भयंकर आदमी इकट्ठा करता हूँ, फिर खाऊंगा, फिर तुम्हें दिखाऊंगा मैं कितना मज़ा आ रहा है भाई, समझ भाई बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई कसम से भाई लिटरली में भयंकर। तो यार देखो मैंने तो इतने इकट्ठा कर लिया, इनको खाने में मज़ा आएगा भयंकर, एक साथ खाने में मज़ा आता है यार, बुबू को देखते हैं कि बुबू ने कितने तोड़ी, दिखा दो बुबू कितने तोड़ दिए आपने, अरे पन्नी में तोड़ा है ना आपने। और देखो मैं कैसे खा रहा हूँ, मजा आ गया। जो आदमी डर गया, वाह बुबू ने भयंकर बहुत तोड़ दिया यार भाई, काफी मस्त है, आओ यहाँ से नीचे तोड़ते हैं, चलो पकड़ दो। तो भाई लोग अभी का सीन ये है कि मैं खा रहा हूँ काफल मस्त तरीके से, और बुबू मस्त तरीके से तोड़ रहे हैं, महंगा वहाँ मेहनत कर रहे हैं, हम लोग यहाँ बैठ रखे हैं, उसके पीछे का रीज़न ये है कि मेरे को रील डालनी थी और नीचे नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो इसलिए इस केस में मैं ऊपर आ रखा हूँ, रील वगैरह डाल दिए, तो बुबू बोल रहे थे कि अब ऊपर क्या ही आओगे, यहीं पर मिलो, तो हम यहाँ पर बैठ रखे हैं, थैंक यू। नीचे क्या, हाँ मतलब नीचे क्या होगा, ऊपर ही बैठ रहा हूँ, तो यहाँ पर बैठ रखे हैं, मस्त मस्त ताज़ी ताज़ी हवा आ रही है, मैं ठंडी ठंडी मज़ा आ गया। हाँ आप शॉर्ट रस्ते से आए हुई हूँ, तो भाई लोगों सब चीज़ हमने कर लिया है, और हमने तो भयंकर रील डाल दी थी, वो तोड़ रहे थे लास्ट तक, वो ने बहुत मेहनत करी है, हैं और वो ये क्या है साथ में, ये सोले बकरियों के लिए, अच्छा बकरियों को देते हैं ना ये, तो सनसेट भी हो चुका है, और मतलब यहाँ पे रोड में ना शाम को वॉक करने में भाई बहुत मज़ा आता है यार, ठंडी ठंडी हवा होती है, वैसे अभी हमारे यहाँ नहीं हुआ होगा पता, वो यहाँ पे पेड़ है वो है ना पहाड़, इसलिए हो यहाँ पे जल्दी, और ये हमारा खेत है ना वो, ये पूरा फल के पेड़ लगा, अच्छा आग आग लग गई ना, आग लग गई खत्म, बाप रे किस किस का पेड़ था, नींबू अमरूद माल्टे भी होंगे फिर, तो लीची माल्टे भी थे, माल्टे नहीं थे, माल्टे तो यहाँ रखते नहीं ना, अच्छा देंगे करके, हाँ किनारा हुआ, सही बोला। तो यार फिलहाल से वो ने इतने काफल तोड़ दिया, हम वो काली वाली पन्नी के भी नहीं खा पाए हैं, और थोड़ा सा इसमें भी लेके आ रखे हैं, मम्मी ने बोलता ना कि घर पर भी लेके आए ना, तो उस सिलसिले में तोड़ के लेके आए थे, और बाकी मज़ा आ गया यार कसम से, बाजार में तो 90 रुपये किलो ऐसे कुछ मिलते हैं, काफल का प्राइस बहुत हाई होता है, क्योंकि भयंकर मेहनत बहुत लगती है ना तोड़ने में। यहाँ पे मानसी भी आ चुकी है, मानसी आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, अकेले आ रहे हो आप, तो टॉर्च भी जला दी, क्या लेने आए हो आप, अंडे हाँ। कितने लेके आओगे आप अंडे आज, छह अंडे लेओगे तो डंडे पड़ेंगे आज तो। आप झूठ झूठ बोलते हो, अच्छा डंडे नहीं माने तुम्हें, ना ठीक है, क्या खाओगी आप ये बताओ फिर, और कुछ नहीं, क्या खाओगी बताओ, शर्मा मत इसमें,
अच्छा कैमरा बंद करने के बाद बताऊंगी। तो भाई लोग अभी मैं मानसी मानसी करने वाला हूँ, अभी पिट्ठी लगाने वाला हूँ। पिट्ठी का मतलब होता है कि पीठ में चढ़ाना। देखो चलाओ आओ। भूत लग रहे हम। भूत 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 भूत